500 NFSA राशन कार्डों अथवा 2000 यूनिट पर पुनर्निर्धारण किया जाकर आवश्यकता अनुसार उचित मूल्य दुकान का गठन किया जाता है। इस संबंध में जारी विभागीय दिशा निर्देश दिनांक 26/12/2019 की प्रति परिशिष्ट एक पर संलग्न है। जवाब बिंदु संख्या एक में समाहित है। अध्यक्ष महोदय, दिशा निर्देश तो जारी हैं 26/12/2019 में, लेकिन इन दिशाओं के तहत कितनी कार्रवाई करी गई है? क्योंकि दुकानें तो नई बन नहीं रही हैं, राशन कार्ड अधिक संख्या में बन गए हैं, बहुत से राशन डीलरों की मृत्यु हो गई है, बहुत से लोगों ने सरेंडर कर दिया है, तो उसका एडिशनल चार्ज दूसरे डीलर को दे देते हैं। गांव के लोगों को, ढाणियों वालों को इतना दूर चल के आना पड़ता है, 6-6, 10-10 किलोमीटर, और जब जाते हैं तो राशन डीलर कहते हैं, तो क्या जल्द से जल्द इन नियमों की पालना होगी या नई राशन डीलरों की दुकानें आवंटित होंगी? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात बताई है, मैं आपके पास डीएसओ को भेजूंगा। वैसे 3 किलोमीटर से ज्यादा दूर कोई भी डीएसओ दुकान नहीं खोल सकता। ये अटैचमेंट को लेकर जो कर रहे हैं, अभी इसीलिए आपके यहाँ पे इंटरव्यू चल रहे हैं, कमेटियां बन गई है। फिर भी आपके पास कोई सुझाव है? आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये पब्लिक से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। राशन की दुकान यदि कहीं दूर है तो आप प्रस्ताव बनाकर भेज दे। बाकी सदस्यों को भी मैं देख कह रहा हूँ कि यदि आपके क्षेत्र में कहीं पर राशन की दुकानें ज्यादा दूर है तो आप प्रस्ताव बनाकर भेजें। और आपका यदि कोई प्रस्ताव डीएसओ लागू नहीं कर रहा है, क्योंकि तो जनता से जुड़ा डिपार्टमेंट है, तो आप मेरे पास डायरेक्ट शिकायत भेजें। ऐसे डीएसओ के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।